नमस्कार दोस्तों, मुझे मालूम है कि गर्मी बहुत है, लेकिन राजनीति में भी लगातार गर्मी बनी हुई है। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर है। आप सबको मालूम है कि अगस्टा वेस्टलैंड का जो केस है, वो न केवल पुराना है, बल्कि इस बात की भी वानगी है कि इस देश के अंदर चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे यूपीए की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सरकारों के काम करने का रवैया एक जैसा होता है, भ्रष्टाचार एक जैसा होता है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का, ढांकने तोपने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। और हैरानी की बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तब घूम घूम के कह रहे थे कि ना खाते हैं ना खाने देते हैं किसी को। वो कहते थे कि देश की संप्रभुता से किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। वो लगातार ये हुंकार भरते थे कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया था, जो झूठा था, उस तरीके से देश से भ्रष्टाचार खत्म करें। आज हैरानी की बात यह है कि अगस्टा वेस्टलैंड का जो केस, जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय सामने आया था, खुलकर सामने आया था, जिसमें एक पूर्व वायुसेना अध्यक्ष का नाम सामने आया था, उस पूरे मामले पर इटली की सरकार तो जांच भी कर लेती है, वहां की लोअर कोर्ट उस पर अपना फैसला भी सुना देती है, और लोअर कोर्ट के फैसले पर अपीलेट कोर्ट, जो हाई कोर्ट के बराबर है, हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के बराबर है, वो अपीलेट कोर्ट वहां से भी मामले का निपटारा हो जाता है, और दो लोगों को वहां सजा भी मिल जाती है, फैसला भी आ जाता है। और हमारे देश का हाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि मनमोहन सिंह की सरकार से तो हमें कोई उम्मीद थी ही नहीं, जिस कदर भ्रष्टाचार में वो डूबी हुई थी, पिछले 2 साल से इस मामले में किसी तरीके की कोई प्रगति नहीं। और अभी जब यह मामला सामने आया है, और वो भी नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार की कोशिशों से नहीं, बल्कि वहां की अपीलेट कोर्ट ने जब दो लोगों को सजा देने का प्रावधान किया और यह कहा कि पूरे जांच के दौरान सोनिया गांधी, अहमद पटेल, कांग्रेस के कुछ दूसरे बड़े नेताओं के नाम रेफरेंस के तौर पर आए हैं, का नाम उसमें आया है, तो बीजेपी के अध्यक्ष चाणक्य के चाणक्य, इतिहास में इतना बड़ा चाणक्य पैदा नहीं हुआ, वो अमित शाह जी कहते हैं कि जिन्होंने घूस दिया वो तो पकड़े गए, अब सोनिया गांधी बताएं कि घूस किसने ली। यह आजादी के बाद पहला ऐसा वाक्या है जब देश की राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस बात का पता नहीं है कि सरकार तुम्हारी है, सीबीआई तुम्हारे अंडर में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तुम्हारे अंडर में है, आईबी रॉ तुम्हारे अंडर में है, पुलिस तुम्हारे अंडर में है, और ये सब पिछले 2 साल से सो रहे हो। तो अमित शाह जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया ये बताने के लिए कि सोनिया गांधी जी अब ये बताएंगी कि घूस किसने लिया। दरअसल एक मिली जुली कुश्ती सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में चल रही है, मिली जुली कुश्ती। आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस लोकसभा चुनाव के दौरान रॉबर्ट वाड्रा का मसला जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया था, उस दौरान बुकलेट निकाली गई थी, और बुकलेट में कहा था कि इनको तो हम गिरफ्तार करके रहेंगे, ये दामाद का गोरख धंधा है। 2 साल हो गए अभी तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। इटली की अदालत फैसला सुना देती है, लेकिन यहां बैठे हुए जो हुक्मरान है वो कह रहे हैं कि हाँ, इंटरपोल के जरिए हम रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा देंगे। अभी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो रही है, यहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सो रहा है, सीबीआई सो रही है। तो ये जो आम आदमी पार्टी का परसेप्शन है और आम आदमी पार्टी की जो समझ है कि दरअसल इस देश को बेवकूफ बनाने का एक काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ उनकी एक डील है, सेटिंग हो गई है, और इस सेटिंग की वजह से यह है कि तुम
मेरी पीठ ना खरोचो, मैं तुम्हारी पीठ नहीं खरोचूंगा। डोंट स्क्रैच माई बैक, आई विल नॉट स्क्रैच योर्स, जो अंग्रेजी में मुहावरा है। कि तुम मेरे भ्रष्टाचार को बचाओ, मैं तुम्हारे भ्रष्टाचार को बचाओ। इस तरह ना तो रॉबर्ट वाड्रा पे कोई कार्रवाई हो रही है और ना सोनिया गांधी का नाम आने के बाद अभी तक इस पूरे मसले पर किसी तरीके की कोई पूछताछ, कोई जानकारी नहीं ली जा रही। कायदे से तो सोनिया गांधी की अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के अंदर जब सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने कोई आरोप लगाया तो सोमनाथ भारती को उस तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई जैसे कि कोई आतंकवादी। जब विकासपुरी के अंदर हमारे विधायक महेंद्र गोयल 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और उनको उसकी लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया फौरन आनन फानन में जैसे कि कोई आतंकवादी हो, कोई लुटेरे हो, कोई बलात्कारी हो। जब हमारे कमांडर सुरेंद्र ने एक गरीब आदमी की पिटाई कर रहे थे, कुछ सरकारी अधिकारी वसूली कर रहे थे, तो जब उनको बचाने की कोशिश कर रही थी तो इस दिल्ली पुलिस ने जिस आनन फानन में उनको गिरफ्तार करने का काम किया जैसे कोई आतंकवादी और कोई डकैत हो। तो अब तो वहां की अदालत में नाम आ गया, क्यों नहीं सोनिया गांधी गिरफ्तारी होती, क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी होती, क्यों उनसे पूछताछ नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि आपस में सेटिंग है, डील है इन लोगों के बीच में कि तुम मेरे भ्रष्टाचार को बचाओ, मैं तुम्हारे भ्रष्टाचार को बचाऊंगा। इसलिए आम आदमी पार्टी आज आप लोगों के माध्यम से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुनौती देती है, उनको अल्टीमेटम देती है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर का घेराव करेंगे। मैं कि आप लोगों के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चेतावनी देना चाहता हूं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई एक हफ्ते के अंदर तो आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका घेराव करेगी और पूरे देश के अंदर हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। ये जो भ्रष्टाचार को बचाने की राजनीति हम चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे दिल्ली के कन्वीनर दिलीप पांडे जी अब आपके सामने कुछ और चीजें रखेंगे। हाँ जी, नियम क्या मैं बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। इस पूरे प्रकरण पर माननीय मोदी जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी है, मैंने एक चिट्ठी लिखी है माननीय मोदी जी को और वो चिट्ठी मैं आप लोगों के सामने, ये है वो पत्र जो माननीय मोदी जी के नाम मेरी ओर से लिखा गया है, ये अभी अगले कुछ मिनटों में उनके दफ्तर भी पहुंच जाएगा और उनसे उत्तर की अपेक्षा में हम एक हफ्ते की मोहलत भी उनको दे रहे हैं। यह पत्र मैं आपको, आप सबको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि अपनी व्यस्तता के कारण अगर वो ये पत्र रिसीव ना कर सकें, पढ़ ना सकें, तो भी आप लोगों के ज़रिए इस पत्र का कंटेंट उन तक पहुँच जाए। इसमें लिखा गया है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आपका प्रभाव जनमानस पर इसलिए पड़ा क्योंकि आपने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उफान पर चल रहे जन आंदोलन से पैदा हुए असंतोष, रिक्तता और गुस्से को अपने कांग्रेस विरोधी भाषणों से खूब संतुष्ट किया। देश भूला नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा की जमीनी लूट पर भी आपने खूब तंज कसे और तब देश के जनमानस में कहीं ये भरोसा जागा कि आप भ्रष्टाचार के कट्टर विरोधी हैं। हालांकि भाजपा का अपना इतिहास इस विचारधारा का समर्थन नहीं करता रहा है, फिर भी भारी मन और घोर निराशा के 2 वर्ष से भी कम समय में आपके दावे चारों खाने चित होकर जमीन पर आ गए। रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजना तो दूर, किसानों के इंच भर जमीन भी आप ना लौटा सके और अब एक ताज़ा तरीन मसला आया है अगस्टा वेस्टलैंड का। मोदी जी, इटली के कोर्ट के फैसले के बाद बैन लगे हुए अगस्टा वेस्टलैंड को भारत में व्यापार करने की छूट देना यह किस मजबूरी के तहत आता है हम जानना चाहते हैं। इटली कोर्ट के फैसले ने आपको अवसर दिया है
भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का। विदेशी धरती पर भारत के नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, ये शर्मसार करने वाली बात तो है ही। इससे भी दुखद ये कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने में अक्षम दिख रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी, शासन प्रशासन आपका, खुफिया विभाग आपका, सभी जांच एजेंसियां आपकी, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सीबीआई भी अब आपके ही पास है। फिर ऐसी क्या रुकावट है, वचन या प्रतिबद्धता है कांग्रेस और सोनिया गांधी के प्रति कि आप कांग्रेस मुख्यालय पर सीबीआई रेड नहीं परवा रहे? या सीबीआई सिर्फ माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए छोड़ रखी है? अगर नहीं तो अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दें और सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करें। उन सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को भी गिरफ्तार कीजिए जिनके नाम इस घोटाले में किसी भी कागज पर आए हैं। माननीय मोदी जी, आप इस समय सिर्फ प्रतिबद्धता नहीं विश्वसनीयता के संकट से भी गुजर रहे हैं। कांग्रेस पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ाने, आपके नेताओं द्वारा बयानबाजी करने का शगुफा जनता पचा नहीं पा रही है। और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि इस रिश्वतखोरी के मामले में एक पूर्व एयर चीफ मार्शल का भी नाम आ रहा है जिनका संबंध विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। ये वही फाउंडेशन है जिससे अजीत डोवाल जी और आरएसएस बीजेपी के तमाम बड़े और महान नेता जुड़े रहे हैं। तो कुछ कड़े कदम उठाइए मोदी जी, अन्यथा देश मानने को मजबूर होगा कि चूंकि इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के लोगों के नाम हैं और तभी आपके और सोनिया गांधी के बीच कोई सेटिंग हुई है, कोई डील हुई है। हम माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आगामी 7 दिनों के अंदर यदि आपकी सरकार अगस्ता वेस्टलैंड के मामले पर कोई कदम कठोर उठाते हुए नहीं दिखती है तो आम आदमी पार्टी मजबूर होगी दिल्ली में और पूरे देश में आपके इस दोहरेपन को और कांग्रेस और सोनिया गांधी के साथ हुई आपकी साठगांठ को बेनकाब करने के लिए। 1 हफ्ते का मौका है, 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव आम आदमी पार्टी करेगी और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की स्थानीय इकाइयां माननीय मोदी जी के और सोनिया गांधी के बीच की सेटिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। मैं एक बार फिर कह दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये खुली चेतावनी है कि 1 हफ्ते के अंदर वो साबित करें कि भ्रष्टाचार से लड़ना जानते हैं और कड़ी कार्रवाई करना जानते हैं, नहीं तो देश ये मानने के लिए बाध्य हो जाएगा कि आपकी उनके बीच में सेटिंग है। इसलिए मैं 1 हफ्ते का वक्त है, वो चाहें तो गिरफ्तार करें, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी का आंदोलन दे दें। जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं, सोनिया गांधी का नाम है, अहमद पटेल का नाम है, जिन जिन कांग्रेस के नेताओं के नाम आए हैं, इन सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के जिस भी विधायक, जिस भी नेता के खिलाफ जरा सा भी कहीं आरोप लगा, उनको गिरफ्तार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया, ऐसा लगा जैसे कि वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। यहां तो इटली की कोर्ट में बाकायदा कन्फेशन में रेफरेंस आया हुआ है, नाम आया हुआ है, फिर किस बात की देरी हो रही, किसका इंतजार हो रहा, क्यों नहीं अभी तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई हुई? इसलिए क्योंकि आपकी सोनिया गांधी से मिली भगत है, डीलिंग है, सेटिंग है आपकी। मैं कई बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, आप लोगों को शायद जानकारी है कि 3 FIR उनके खिलाफ दर्ज है, मामला चल रहा है। एक मिनट, आप लोग चेक कर लें, उसको दोबारा चेक कर लें, तथ्यों की पड़ताल कर लें, आपको पता चल जाएगा। उसमें जो शब्द लिखा हुआ है बंधु, ये मैं माफ कीजिएगा पर फेसबुक और ट्विटर पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ट्रॉल्स जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, उस FIR में जो शब्द लिखा हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द देन चीफ मिनिस्टर,
जिस एफ आई आर की जिक्र आप कर रहे हैं, और अगर थोड़ी बहुत सामान्य बुद्धि है, अंग्रेजी आती है, तो द देन चीफ मिनिस्टर का मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी शीला दीक्षित होती हैं, इतना तो आपको पता होगा। एक मिनट, पहले प्रलाप कर लें, पर फैक्चुअल पोजीशन ये है। दूसरी बात मैं कह दूं कि एक मिनट, मुझे आपके सवालों पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अगस्टा वेस्टलैंड पर एक बार सवाल खत्म हो जाए, उसके बाद अलग से कोई सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आई डोंट नो वेदर द प्रेस हैज डिसाइडेड टू डिफेंड द प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट। Let me complete. I was a member of the press and I know how the press works. I don't need to be told on this issue. Yes. And I also know where the somebody stands and where somebody does not stand. Sir, sir. So let me complete. Agusta Westland case, Italy ki adalat, वहाँ की जो लोकल अदालत है उसने इस पूरे मसले पर फैसला दे दिया। वहाँ की जो अपीलेट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट का दर्जा रखती है, उस कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसने इंडिक्ट कर दिया, चार चार साल की सजा सुना दी, सारे रिकॉर्ड सबके सामने हैं, और हमारी पुलिस, हमारा एस्टैब्लिशमेंट सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी रेड कॉर्नर नोटिस देने के बारे में सोच रहा। सीबीआई के पास मामला एफआईआर कितने दिनों से है, किसका नाम लूं मैं, क्या मैं कार्लोस गुएरा का नाम लूं, हेस्की का नाम लूं, ओरसी का नाम लूं, एसपी त्यागी का नाम लूं, संजीव त्यागी का नाम लूं, किसका नाम लूं मैं? क्यों नहीं अभी तक इस पूरे मसले पर, अगर वहां की अदालत, अगर दो फैसले हो सकते हैं वहां पे, तो यहां जांच भी पूरी नहीं होगी पिछले दो साल के अंदर, क्यों? क्या यह सवाल मीडिया नहीं उठाएगा? मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे, क्योंकि ये जो 51 मिलियन यूरो जो गाइडो हेस्की गुरेरा, कार्लोस गुरेरा और उस तीसरे का नाम मेरे दिमाग से उतर रहा जो फिनमेनिका का वो था, तीनों ने 51 मिलियन यूरो इनको मिले कि पॉलिटिशियंस को पैसे दीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को पैसे दीजिए, मीडिया को मैनेज कीजिए, तो सबके नाम सामने आने चाहिए। लेकिन फिलहाल तो सोनिया गांधी और अहमद पटेल और तमाम लोगों के नाम तो वहां की अदालत में रेफरेंस के तौर पर आया। आप पूछताछ भी नहीं करोगे, आम आदमी पार्टी का होगा तो फौरन गिरफ्तार कर लोगे, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापे मार लोगे, आज तक आपके पास कोई जानकारी नहीं आई। और मैं आज भी कहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं गलती से आ गया होता तो अब तक वो तिहाड़ जेल में होते, यहां मुख्यमंत्री नहीं होते वो। हाँ, मैं कहता हूँ पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं पूछताछ होनी चाहिए, है? पूछताछ के लिए आपको, आपको क्या, जो जो कानूनी प्रक्रिया है, पूछताछ, अरेस्ट क्यों करते हैं आप, डिटेन क्यों करते हैं आप, पूछताछ के लिए करते हैं ना, शुरू तो करिए और नोटिस तो दीजिए। कोई आदमी 10 जनपद तक जाए तो क्यों नहीं जा रहे? और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसने रोक रखा है? यही आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री जी थे खट्टर साहब, उन्होंने क्या कहा था, 6 महीने के अंदर हम जेल की हवा खिला देंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा था कि सरकार हमारी आएगी और आने के बाद हम सारे इनके जो जमीन के मामले सब इन्वेस्ट, क्या क्यों नहीं हुई कार्रवाई? बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान, मुझे अगर डेट याद पड़ रही है तो करीब 28-29 अप्रैल के सब की बात है 2014, बाकायदा बुकलेट निकाली थी, रविशंकर प्रसाद जी बुकलेट लेके बाहर आए थे, कच्चा चिट्ठा कर रहे थे जब प्रियंका गांधी ने इनके ऊपर अटैक किया था। अभी तक क्या सो रहे हो, क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक? तो ये दोहरी रणनीति नहीं चलेगी, या तो आप साबित करो सोनिया गांधी गिरफ्तार करके आप भ्रष्टाचार से लड़ना जानते हो, और नहीं तो फिर आप एक्सेप्ट करो कि आप सोनिया गांधी की जेल। गिरफ्तारी, अब फिर मैं आपको बता दूं, मैं फिर आपको बता दूं, एंटी करप्शन ब्यूरो कहां है आज, किसके पास है? एक मिनट, दिल्ली पुलिस किसके पास है? हमारे पास जब एंटी करप्शन ब्यूरो था तो हमने 49 दिनों के अंदर फौरन उनके एफआईआर दर्ज की थी, 3 एफआईआर दर्ज, मुकेश अंबानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वीरप्पा मोइली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, मुरली देवड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया,
सीएनजी फिटनेस केस को जब हमने खोलने की कोशिश की उसके बाद क्या हुआ आप समझ रहे हैं। हमारे 23 बिल्स जो असेंबली से पास है, मैं चाहूंगा कि मीडिया इस सवाल को उठाए, 23 बिल जो दिल्ली की असेंबली ने पास किए, 23 के 23 बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया, 6 से 1 महीने तक वो बिल वहां पड़े रहे और उन बिल के बाद गृह मंत्रालय को होश आता और कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको तो ये बिल मेरे पास भेजने नहीं चाहिए थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कहते हैं, 7 बिल उसमें से निकाल के फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के पास भेज देते हैं। कभी आप लोग ये सवाल भी तो उठाइए कि भाई ये 23 बिल गृह मंत्रालय किसके इशारे पे कर रहा, क्यों रोक रहा। द एलजी आइदर ही कैन अप्रूव द बिल्स आर ही कैन रिजेक्ट द बिल, ही कांट केप्ट इट पेंडिंग फॉर सो लॉन्ग एंड होम मिनिस्ट्री कैन नॉट, अचानक उसकी नींद नहीं एक साल के बाद खुलेगी और बोलेगा कि नहीं आपके बिल तो वापस भेजता हूं। ये इस देश के संविधान का मजाक नहीं उड़ा सकते आप लोग। कौन बचा रहा है और कौन बचा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। आप एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास दे दिए, फिर देखिए क्या होता है। अब तक काफी लोग जेल में होते, क्वेश्चन हैज यू एग्जॉस्टेड विद क्वेश्चन इन द ऑगस्टा वेस्टलैंड एंड फिनमैनिका, फिन मैकेनिका, बिकॉज नोबडी हैज आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन ऑन दैट। सो लेट्स अज्यूम दैट यू डोंट हैव द क्वेश्चंस, इफ यू हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन देन वी मूव ऑन। मैं एक बात और आपको जानकारी दे दूं कि किस मॉडल के बारे में चर्चा आजकल हो रही है। गुजरात के अंदर आज हमारे साथियों ने सौराष्ट्र के महुआ के इलाके में वहाँ पे गोचर की जमीन पर कुछ उद्योगपतियों को जो वहाँ पे विंडशील्ड लगा रहे थे, गलत तरीके से विंडशील्ड, वहाँ के ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद किसानों ने विरोध किया, पदयात्रा निकाल रहे थे, तो हमारे साथियों को वहाँ जेल में डालने का काम किया गया। 10 दिन से हम इजाजत मांग रहे थे कि हम इसका विरोध करना चाहते हैं, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपना विरोध करने का अधिकार है। ये गुजरात की अकेली ऐसी सरकार है जो किसी को विरोध की इजाजत नहीं देती है। इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इस गिरफ्तारी का जमकर विरोध करेंगे, वहां के गवर्नर से मिलेंगे और मिल को बताएंगे कि ये दरअसल गुजरात का मॉडल है और यही जहां किसी को विरोध की इजाजत नहीं। हमने 1 हफ्ते का वक्त दिया, 1 हफ्ते के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी अगर कार्रवाई करते हैं, काश हमारे पास जो है वो इस तरीके के इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स होती है। तो आप लोगों के पास है, आप लोग पता है, आप लोगों को पूरी जानकारी है। बाकी सारी जानकारियां अगर आप चाहें तो आपके ही अखबारों ने सारी बातें दी हैं, आपके टीवी चैनल सुबह से शाम तक लगातार उसको दिखा रहे हैं। जो जानकारी मीडिया में उपलब्ध है उसके आधार पर ही अगर कार्रवाई हो जाए तो भी इस देश का बड़ा भला हो जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का नाम अगर आया है जो आपके सामने भी है, तो आप कांग्रेस के खिलाफ हो? नहीं, मैं तो भाई सरकार किसकी है, वाई द सिस्टम इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम तो कह रहे हैं कि आप सोनिया गांधी से पूछताछ करो, गिरफ्तार करो, क्यों नहीं कर रहे हम 2 साल से, क्यों नहीं इस पूरे मसले। इसका मतलब यह है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पैसा इधर से उधर भी डाइवर्ट हुआ है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया। क्या मजबूरी कि आप 2 साल से आप कार्रवाई नहीं कर रहे। मान लिया मनमोहन सिंह की सरकार ने कार्रवाई नहीं की, मान लिया मैं आपकी बात, मान लिया इटालियन कनेक्शन है, बट वाई दिस गवर्नमेंट इज कीपिंग क्वाइट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स व्हेन इटालियन कोर्ट हैज ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड वर्डिक्ट नॉट बाय 1 कोर्ट बट द 2 कोर्ट। दे हैव बीन सो एफिशिएंट एंड फास्ट, यहां तो भी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चल रहा। तो साबित करें नरेंद्र मोदी जी कि आप भ्रष्टाचार से लड़ना जानते हैं और लड़ना चाहते हैं, और साबित करने के लिए आपको इस पूरे मसले के ऊपर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करना होगा। अगर आप नहीं करोगे 1 हफ्ते के अंदर तो आम आदमी पार्टी आपका घेराव करेगा। थैंक यू। शरद पवार जी इस देश के बहुत बहुत बड़े नेता हैं। मैं बड़े नेताओं की गुस्ताखी में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आगे आगे देखिए होता क्या है। 2019 नीतीश कुमार, हमने तो कभी ये छुपाया नहीं कि नीतीश जी की अरविंद जी से दोस्ती थी, हमने कभी नहीं छुपाया इस बारे में। और हमने ये भी कहा था कि बिहार के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों को, फांसीवादी शक्तियों को हराने के लिए नीतीश जी को जिताना चाहिए, जिताना चाहिए।
अब 2019 में क्या होगा ये मैं तो आज बैठ के तो नहीं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, आप लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये मैं जानता हूँ कि आप लोगों के अखबारों में टीवी चैनल्स में भविष्य का पूरा एक वो चलता है, लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। नहीं दोस्ती और दुश्मनी का सवाल क्या है, हमने अगर छुपाई होती तो बात अलग होती। मैंने कहा 2019 का इंतजार कीजिए, दोज हु मूव टू फास्ट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, ललित मोदी कांड में विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन की बात करने वाले अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी, आज तक ललित मोदी के मामले में उन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दी है, प्रेयर तक नहीं की कि भैया आप ललित मोदी को वापस भेजो, ये भ्रष्टाचार से लड़ने का नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड। आप लोग विजय गोयल को सीरियसली लेते हो क्या? मैं आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं ये बोल दूं, ये रिपोर्ट बहुत पुरानी है। एक मिनट, रत्ना जी मैं आपसे सवाल पूछूं, ये कब की रिपोर्ट है? 17-18 तारीख की रिपोर्ट है। कब आई? कल आई है। हाँ तो ठीक है, उनको अपना अधिकार है, वो अपनी अपने अधिकार के तहत अगर उनको लगता है कि ऑडी में नहीं काम किया है तो उनका निष्कर्ष उनको मुबारक है। आप दिल्ली की जनता से जाके पूछिए कि उसको पसंद है या पसंद नहीं, पिछली बार भी आप लोग रिजेक्ट कर रहे थे और तब फॉर्च्यून मैगजीन ने उनको अरविंद केजरीवाल को 50 सबसे शक्तिशाली नेताओं में उनका शुमार किया था। तो ये तो लोकतंत्र है, अपने अपने विचारों के लिए लोग स्वतंत्र।